एशिया कप साल 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 30 अगस्त से टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप खेला जाना है, लेकिन भारत के मुकाबले श्रीलंका में होंगे, जिसको पहले ही श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया था। टीम इंडिया 2 सितंबर से एशिया कप का अपना आगाज करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 सदस्य टीम को चुना गया है। आपको बता दें कि इस टीम में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। साथ ही 2-3 टी20 मुकाबले खेलने के बाद सीधे वनडे टीम से तिलक वर्मा को बुलावा आ गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि टीम इंडिया के सिलेक्शन में 5 कुछ ऐसी बातें भी रहीं जिसका फैंस जवाब ढूंढना चाहते हैं। सबसे पहली बात रही केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर लंबे समय से चोटिल हैं। टीम इंडिया में लंबे समय के बाद दोनों लौटे हैं। ऐसे में दोनों ने अब तक एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं। चोट से उबरने के बाद सीधा दोनों खिलाड़ी एशिया कप में खेलने के लिए उतरेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में वो फॉर्म हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल रहा और जो दूसरी सबसे बड़ी बात रही वो तिलक वर्मा को मौका देना। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे पर बल्ले से धमाल मचाने वाले तिलक वर्मा को एशिया कप से बुलावा आ गया है। एशिया कप में तिलक वर्मा को जगह मिली है और वह पहली बार वनडे टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि एशिया कप से पहले तिलक वर्मा ने अब तक भारत के लिए 5 टी20 मुकाबले खेले हैं जहां 173 रन उन्होंने बनाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या तिलक वर्मा टी20 के इस फॉर्म को वनडे में एशिया कप में बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं। वहीं तीसरी बड़ी बात रही ईशान किशन को टीम में जगह देना। बता दें कि बतौर विकेट कीपर केएल राहुल के बाद ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। ऐसे में संजू सैमसन को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। वहीं बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान किशन, जो लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उन्हें भारतीय टीम में शामिल करना सही होगा या फिर नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईशान किशन का टी20 में बल्ला काफी शांत है। हालांकि वनडे फॉर्मेट में ईशान किशन ने रन बनाए हैं। 17 सदस्य चुनी गई टीम में 2 नाम बिल्कुल गायब रहे। उनमें से एक नाम था युजवेंद्र चहल और दूसरा अर्शदीप सिंह। बता दें कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले युजवेंद्र चहल को एशिया कप में जगह नहीं दी गई है। एशिया कप से पहले वनडे फॉर्मेट खेलने वाले चहल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद भी उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई है। अर्शदीप सिंह की बात करें तो हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह को भी एशिया कप की टीम से बाहर किया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ 3-3 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह को एशिया कप में मौका मिला है। लंबे समय के बाद बुमराह अपनी जगह टीम में बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को भी वनडे टीम से बुलावा आया है और एक साल के बाद उन्हें भी एशिया कप के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने का मौका मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस टीम में शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों का नाम भी गायब रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट और जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।